गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कोमल सिंह एंड आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने बालकनी में क्या पेड़ लगाए हुए हैं एंड उस पेड़ से क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी मैंने अपने घर पर किस चीज़ का पेड़, अपने छत पर किस चीज़ का पेड़ लगा के रखा हुआ है। तो आइए चलिए मैं आप लोगों को अपनी बालकनी दिखाती हूँ। देखिए मैंने अपने बालकनी में ये खजूर का पेड़ लगाया हुआ था तो काफ़ी बेटर लग रहा था, बहुत ही सुंदर लगता है ये पेड़। अगर आप अपने गेट के बाहर लगाते हो तो काफ़ी सुंदर लगता है, अपने गेट के बगल बगल पर अगर इन दोनों को लगाती। देखिए नई पत्तियाँ इसमें से निकल रही हैं, तो मैं ये वाला पेड़ लेके आई थी, काफ़ी अच्छा लगा था। एंड ये है दूसरा पेड़ है कि ये सोका है, इसकी कई वैरायटियाँ आपको मिल जाती हैं, कई तरीके के इसमें आते हैं। ये चौड़ी पत्ती की भी होती है और ये पतली पत्ती की भी होती है। तो मैं एक पेड़ ये पतली पत्ती का लेके आई थी, पत्तियाँ बहुत इसकी सुंदर लगती हैं, ग्रीनी कलर रहता है और येलो रहता है, काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने छोटे से गमले पे मतलब बाल्टी पे लगा के रखा हुआ था। और ये है समी का पेड़, जैसे कि आप ये पूजा में भी चढ़ता है तो भोलेनाथ पर ये शिव जी पर चढ़ता है। तो मैं एक पेड़ ये लेके आई थी तो काफ़ी सुंदर लग रहा था, ये देखिए पेड़ लग गया है, नर्सरी से लेके आई थी। तो ये पेड़ लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है घर पे, तो मैंने ये वाला पेड़ लाके लगाया था। और ये है नागफनी का पेड़, बोलते हैं कि आप अगर इसे लगाते हैं अपने घर पे तो आपके घर पे सांप वगैरह जो होते हैं वो नहीं आते हैं, तो इसे बहुत लोग लगाते हैं अपने घर पे। एंड ये है, इसमें बहुत छोटे छोटे से बैंगनी कलर के फूल होते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड एक ये सूख वाला पेड़ है जो मैंने आपको दिखाया था कि उसकी पतली पत्तियाँ होती हैं, उसके बाद ये इसकी चौड़ी पत्ती होती है, तो इसका भी मैं छोटा सा लेके आई थी गमले पे, इसे लगाया हुआ है मैंने। और ये है कनेर का पेड़, इसमें येलो फूल होते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा होता है तो मैंने इसे छोटे से गमले पर लगा के रखा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड इसमें भी फूल नहीं आए हैं बट आएंगे, कलियाँ आएंगी तो फूल भी आएंगे। इसके बाद ये मेरा देखिए सबसे हैवी पेड़ आ जाता है जो मैंने आपको दिखाया था पतली पत्ती का। उसके बाद ये आपको मिक्स में मिल जाता है, ये आपको देखिए पतली पत्ती भी मिलती है और इसमें चौड़ी पत्ती भी मिलती है। तो ये वाला बहुत सुंदर पेड़ लगता है, अगर आप गेट के बगल में लगाते हो ना तो काफ़ी अच्छा पेड़ रहता है। और इसके बाद आ जाता है ये वाला छोटा सा पेड़, इसे आप अगर अपने छत पर बालकनी पर या किसी पर लगाते हो तो इसकी लड़ियाँ होती है ना तो बहुत अच्छी होती हैं, तो आप इसे अपने छत पर लगा सकते हैं। एंड ये देखिए बैंगनी कलर की इसमें पत्तियाँ होती हैं और बैंगनी, लाइट बैंगनी कलर का कितना प्यारा ही सुंदर सा फूल निकला हुआ है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये काफ़ी अच्छे फैल जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है ये पेड़। इसके बाद ये मैंने गुलाब का पेड़ लगाया हुआ था और इसमें भी बैंगनी फूल होते हैं, ये गुलाब का लगाया हुआ था। और ये लगाया हुआ था प्याज का पेड़, इसमें भी देखिए कितने प्यारे प्याजी कलर के फूल होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये छोटा केला का पेड़ लगाया था मैंने, पूजा के लिए लगाया था अपने घर पे, तो मैं इस पर पूजा करूँगी तो मैंने ये पेड़ लगाया हुआ था। ये नीचे की पत्तियाँ सूख जाती हैं। एंड ये है, ये देखिए ये है एलोवेरा का पेड़, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर बताऊँगी कि एलोवेरा से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो मैंने ये एलोवेरा का पेड़ लगाया हुआ था अपने घर पर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड सुंदर भी लगता है देखने में। और इसकी पत्तियाँ बहुत काम आती हैं, आप इसके पत्तियों से अपने फेस पर काफ़ी कुछ मतलब आपको इसमें आयुर्वेदिक चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं इसे अगला वीडियो आपको इसका बताऊंगी कि इस पत्ते से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है। एंड ये हो जाता है, ये छोटे गुलाब का पेड़ है तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद ये आ जाता है गुड़हल का, देखिए बहुत ही सुंदर लगता है एंड इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे मतलब गुड़हल के फूल आते हैं, काफ़ी सुंदर है। एंड ये आ जाता है, ये है सुदर्शन का फूल, जैसे कि अगर आपके कान पे दर्द होता है तो अगर आप इस पत्ती को तोड़ के और इसका रस निकाल के पका के अगर कान पे डालते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है और दर्द भी नहीं होता है। तो ये भी छोटा सा मैंने पेड़ लगाया हुआ था एंड उसी का ये भी पेड़ लगा हुआ है। एंड ये है मीठी नीम की पत्ती, आप कड़ी पत्ती किसी में भी आप डाल सकते हो तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है प्याज का पेड़, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फूल होते हैं तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। एंड तो ये है रजनीगंधा का फूल जो कि खिल के ख़त्म हो चुका है, तो ये छोटे छोटे से फूल अभी भी बचे हुए हैं। तो ये पेड़ भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है तो इस वजह से पेड़ भी काफ़ी अच्छा। ये देखिए मेरी छोटी सी बालकनी जहाँ पर मैं
अपना टाइम बिताती हूँ बैठकर। बहुत ही सुंदर लगता है मुझे यहाँ पे, इसलिए मैंने अपने सारे पेड़ यहाँ पे अपने लगाए हुए हैं। अभी मैंने बहुत पेड़ मैंने नीचे रखे हुए, तो मैं वो सारे भी पेड़ लेके आऊँगी, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। एंड ये भी छोटा सा बालकनी है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से नज़ारा, बहुत ही प्यारा लगता है। एंड ये रही मेरी छोटी सी बालकनी, जो आप लोगों को अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपना सपोर्ट दिखाइए। एंड आशा करती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।